तो देखिए विपक्ष कह रहा है कि सरकार नहीं चल पाएगी पूरा समय, और सहयोगी दल कह रहे हैं कि सरकार चलेगी, लेकिन एजेंडा क्या है? मोदी सरकार 3.0 के कई एजेंडा है जिस पर मोदी सरकार काम करने की योजना पहले ही तैयारी कर चुकी है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चंद्रबाबू नायडू का विरोध है, उनके मतभेद है। कौन कौन से वो मुद्दे हैं? देखिए सीएए को लेकर, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको लेकर आपत्तियां दर्ज कराते रहे, साथ ही एनआरसी जो सिटीजनशिप रजिस्ट्री है उसको लेकर भी आपत्ति है चंद्रबाबू नायडू की। इसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको लेकर भी उनकी आपत्तियां हैं। इसके अलावा मुस्लिम रिजर्वेशन यानी मुस्लिम आरक्षण, ये वो ऐसा मुद्दा है जिसकी हिमायत करते हैं चंद्रबाबू नायडू, और चुनाव प्रचार के मैदान के अंदर नरेंद्र मोदी कई बार ये कहते रहे कि ये किसी कीमत पर भी नहीं हो सकता। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी बीजेपी का एक चुनावी मुद्दा था, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी कई रिजर्वेशन हैं, कई मतभेद हैं चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बीच में। तो देखना होगा कि आखिर इनके बीच में संतुलन कैसे साधा जाता है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं, लेकिन इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दावा किया है कि चुनाव नतीजे के बाद नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी का ऑफर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। केसी त्यागी का कहना है कि जिन नेताओं ने नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया, वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी के इस बयान ने खलबली मचा दी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले कहा जा रहा था कि वो सरकार बनाने का कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, कोई कवायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ केसी त्यागी का ये बड़ा दावा सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को, यानी एनडीए से उन्हें तोड़ने के लिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये साफ कर चुके हैं कि वो इस प्रस्ताव को नहीं लेने वाले हैं। जेडीयू केसी त्यागी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ, और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। स्वतंत्र भारत में 1958 केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरह जानकारी हमारे पास नहीं है। तो देखिए दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ जेडीयू नेता केसी त्यागी की तरफ से यह दावा किया गया है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, वहीं केसी वेणुगोपाल ने इससे खारिज किया है, इस तरीके की चीजों को अटकलें करार दिया है। तो दोनों तरफ से फिलहाल जो पैंतरे हैं वो चले जा रहे हैं, लेकिन नई सरकार के गठन से पहले जिस तरीके के दाव और पेंच चले जा रहे हैं वो जाहिर तौर पर बताते हैं कि आने वाला जो सत्र है वो हंगामेदार हो सकता है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि त्रिपाठी, जरा ये बताइए, आप तो बहुत लंबे समय से ये इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की बैठकों को कवर करते रहे हैं, जरा ये बताइए कि क्या वाकई में कोई बैक चैनल नीतीश कुमार के साथ हुआ था, क्योंकि नीतीश कुमार यू टर्न तो काफी लेते रहे। नहीं, बिल्कुल हो सकता है कि ऐसी चर्चा हुई हो, क्योंकि जो आंकड़ा था उसमें ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार को अगर अपने खेमे में लाया जाए तो एक हलचल बढ़ेगी, और हो सकता है कि कुछ और दल भी इनके साथ आ जाएं, क्योंकि अगर निर्दलीय की बात करें चाहे इंडिपेंडेंट, जिनका जो इनको छोड़ के हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए को छोड़ के हैं, उनकी संख्या भी 30-35 की है, और अगर नीतीश कुमार की संख्या उनमें जुड़ती है तो 245 हो जाती 233 में 12 जुड़ने के बाद, और हो सकता था कि इस तरह का आंकड़ा 260-265 के आसपास आके सरकार को परेशान किया जा सकता था। ये कोशिश हो सकती है, हालांकि कांग्रेस पार्टी अब इसको मानेगी नहीं, और ना तो नीतीश कुमार कहना छोड़ेंगे, इनकी तरफ से दावा किया छोड़ा जाएगा। लेकिन एक बात ये भी हो सकता है, देखिए इसके जरिए जेडीयू जो है अपना स्कोर बढ़ा रही है, स्कोर इसलिए बढ़ा रही है कि हम इतना बड़ा हमने त्याग किया है, इस त्याग के बदले में हमें कुछ बड़ा चीज मिलना चाहिए, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि जेडीयू चाहती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको मिले, जेडीयू चाहती है रेल मंत्रालय उसको मिले, जेडीयू चाहती है कि और कोई बड़ा मंत्रालय, कहीं ना कहीं बात को जो सार्वजनिक करके कहीं जेडीयू अपनी जो डिमांड है उसे मजबूत करना चाहती है, लेकिन